मुझे कभी कभी नोआज़ आर्क याद आती है, जो बाइबल में बताया गया यादगार है कि जब कहते हैं बहुत वर्षा हो रही थी, सृष्टि जलमय होने वाली थी, एकदम पानी पानी था, तब परमात्मा ने अपने एक ऐसे व्यक्ति को जो परमात्मा को बहुत प्यार करता था, उसे कहा कि तुम एक नाव बनाओ और उस नाव में एक 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 सैंपल हर चीज़ का रखो, ताकि जब नया चक्र शुरू हो तो वो सैंपल वहाँ पर एक यादगार है। मैं भी सोचती हूँ, मीठे बाबा ने जो भिन्न भिन्न विंग्स की सेवा करने को कहा, उसका बहुत मीनिंग है। इस समय जो संस्कार भरते हैं, सारे कल्प में काम आने वाले हैं। कोई किसी विंग को देख रहा है, कोई किसी विंग को देख रहा है। सच्चाई की बात यह है कि सभी विंग्स हमारे अपने हैं, और उन सभी विंग्स में हम सबका योगदान है। लेकिन और वो सभी विंग्स के संस्कार हमको धारण करने हैं, क्योंकि संपूर्ण और संपन्न बनना है। आज विशेष रूप से हमारा समाज सेवी प्रभाग दिल्ली जोन का, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें, और आप सब बाबा के लाडले रत्नों को यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मैं देख रही हूँ एक से बढ़कर एक अच्छे शक्तिशाली रत्न यहाँ पर आए हैं। आपके आने से ORC को वो अलग चीज़ है, परंतु सारे विश्व के इकोसिस्टम को, विशेष रूप से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपके संकल्प हैं, वो उसे शक्ति देते हैं। आपका आना ORC में रौनक लगा रहा है, और एक एक बहन ने जो मेहनत की है, उसका फल तो बाबा देगा, लेकिन हर कदम जो आप उठाकर यहाँ पहुँचे, उसका बाबा पदम गुणा रिटर्न आपको देगा। और आज मैं आप सब भाई बहनों का, स्पेशली दिल्ली जोन के सेवा प्रभाग का, और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे आदरणीय शांता दीदी, हमारे आदरणीय प्रेम भाई, आदरणीय हमारे नहीं वो भाई का नाम, हाँ वीरेंद्र भाई हेडक्वार्टर से यहाँ उपस्थित हैं। आप सोचिए, हेडक्वार्टर में सब वहाँ पर जा रहे हैं आदरणीय निर्वैर भाई के कारण, परंतु आप अपनी ड्यूटी समझ करके, सेवा समझ करके यहाँ उपस्थित हैं। तो वीरेंद्र भाई का, हमारी सीता दीदी, हमारी विजय बहन, विजय लक्ष्मी बहन, फिर विजय बहन भी यहाँ की, और हमारी दोनों कन्याएं गीता और सुदेश। सामने मैं इतनी बड़ी बड़ी टीचर्स को देख रही हूँ,
एक एक का किसका नाम ले किसका ना ले, तो एक एक टीचर का, स्वामीनाथन भाई पहुँचे हैं, कच्छभुत से पहुँचे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से जो भी आए, एक एक का बहुत प्यार से बाबा के घर में आपका स्वागत, अभिनंदन, और आपके आने से जो वातावरण बना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आप सबका अभिनंदन है। ओम मेरे को बताया कि सारा भारत उपस्थित है, ये भी एक विशेष चीज़ है जिसके लिए आप सब मुबारक के पात्र हैं। सारा भारत यहाँ पर। ओम शांति। और अभी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का भी, आपने इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ आयोजित कराया। आप सभी विंग्स के प्रोग्राम बहुत ही उमंग उत्साह भर के और सभी प्रोग्राम कराते रहते हैं। और अभी बहनों से, ओआरसी की बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारी सम्माननीय आदरणीय मंच पर उपस्थित दीदियों का और भाइयों का सम्मान करेंगे फूलों के द्वारा। और अभी आशा दीदी जी सम्मान कर रहे हैं, आप सभी तालियां बजाते रहेंगे शांता दीदी जी का। हमारी शांता दीदी जी अजमेर सब जोन इंचार्ज, मम्मा बाबा की पालना लिए हुए अपने नाम को प्रत्यक्ष करने वाली शांति की प्रतिमूर्ति है। संगम युग का दिव्य राज दरबार सजा है, संगम युग का दिव्य राज दरबार, ऐश्वराज अधिकारियों, ऐश्वराज अधिकारियों स्वागत सौ सौ बार। और अभी हमारे आदरणीय है संगम युग का दिव्य प्रेम भाई जी का स्वागत कर रहे हैं आशा दीदी जी। प्यारे प्रभु के रत्नों, सीता दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। सीता दीदी जी अमरावती से, प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु पटके और फूल कुछ के द्वारा स्वागत कर रहे हैं आशा दीदी जी सीता दीदी जी का। गुलबर्गा आशा दीदी जी सम्मान कर रहे हैं। प्रेम भाई जी प्रेम से भरपूर गीता की ज्ञान की गहराइयों को जीवन में आत्मसात करने वाले ब्रह्मा बाप समान, खुद को पीछे रख सभी को आगे बढ़ाने वाले हमारे प्रेम भाई जी। और अभी स्वागत कर रहे हैं वीरेंद्र भाई जी जो मधुबन से आए हैं। आप सेवाओं में हमेशा उमंग उत्साह से सभी को आगे बढ़ाते रहते हैं। और अभी स्वागत कर रहे हैं आशा दीदी जी विजय लक्ष्मी दीदी जी का जो डूंगरपुर से आए हैं। विंग की सेवाओं में विजय दीदी जी विजय लक्ष्मी दीदी जी हमेशा आगे बढ़ चढ़कर बहुत आगे सभी को बढ़ाते हैं और खुद भी आगे सेवाओं में रहते हैं। और अभी आशा दीदी जी विजय दीदी जी ओआरसी का सम्मान कर रहे हैं जो हमेशा सभी को श्रीमत की पालना करने के लिए उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। दादी चंद्रमणि जी के अंग संग रहकर आपने बहुत शक्तियां ग्रहण की और सभी में वो शक्तियां बांटते रहते हैं विजय दीदी जी। आप सभी को पता होगा कि अपनी समाज सेवा प्रभाग के प्रथम अध्यक्षा चंद्रमणि दादी जी रहे और उन्हीं के अंग संग से ओआरसी विजय दीदी जी भी। आदरणीय दीदी जी सुरेश बहन जी का सम्मान कर रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं। बड़ी आत्मीयता दिखाई
प्यार आप पर आया है, आमंत्रित कर अपना समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। और आप सभी भी जो सभा में बैठे हुए भारत के कोने कोने से आए हुए भाई बहनों का, हमारे सीनियर भाई और सीनियर दीदियां और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत इस सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हमारे परम श्रद्धे दीदी जी ईश्वरीय सौगात और टोली देकर के आए हुए देश के कोने कोने के भाई बहनों का सम्मान कर रहे हैं। सभा में बैठे हुए सभी भाई बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन है, सम्मान है। अपने लिए जोरदार ताली बजा करके अपना सम्मान स्वीकार करेंगे। जो भी टीचर्स बहने समाज सेवा के मेंबर नहीं है, वह भी जरूर यहाँ से सौगात लेकर जाएंगे। कृपया कोई भी सभा से उठकर नहीं जाएं, सभी ईश्वरीय सौगात जरूर लेकर के जाएंगे। सभा में जो भी टीचर्स बहने हैं उनके लिए ईश्वरीय सौगात है, इसलिए सभी टीचर्स बहनों से विशेष अनुरोध है कि कोई भी सभा से उठकर नहीं जाए, भले कोई सोशल विंग के मेंबर नहीं भी है। आज परम श्रद्धे आशा दीदी, हमारे आदरणीय आशा दीदी का सम्मान और सम्मान कर रही हैं, सौगात भी दे रही हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहने का एप्पल देकर वरदान देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा। अभी परम श्रद्धे दीदी जी मेरे डूंगरपुर से आए हुए विजय लक्ष्मी दीदी जी को सौगात देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैनू आपे नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है, इस दरदा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना। मैनू सारे पुछदे ने मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी वेख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, कितों ढूंढ ले आंदा है लाल बड़ा सोना, मेरे सतगुरु प्यारे। ओम शांति। अभी ईश्वरीय सौगात के लिए विशेष निमंत्रण है, आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी से अनुरोध करते हैं कि वो स्टेज पर आकर के सौगात दीदी जी से ग्रहण करेंगे। स्वामीनाथन भाई जी के बाद पद्मा दीदी
सांगवाड़ा बिंदु बहन जो बनारस जोन कोऑर्डिनेटर हैं, नीति दीदी पंजाब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, कृपया जिन जिनका नाम बोलते जाते हैं वो स्टेज पर आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करते जाइएगा। सुमन दीदी, पूनम बहन, शिवलीला बहन, गुलबर्गा सब जोन सोसाइटी, स्वामीनाथन भाई जी जो जोनल कोऑर्डिनेटर है केरला से, वो दीदी से सौगात ले रहे हैं। पद्मा दीदी सांगवाड़ा से, बिंदु बहन बनारस जोन कोऑर्डिनेटर हैं जो कि, उनसे भी अनुरोध है वो भी आए। नीति बहन पंजाब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपसे भी अनुरोध है आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करें। सुमन बहन चंडीगढ़ रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप आकर के सौगात ग्रहण करें। पूनम बहन आपसे भी अनुरोध है, आप भी आकर के सौगात ग्रहण करेंगे। शिवलीला बहन गुलबर्गा सब जोन सोसाइटी विंग कोऑर्डिनेटर, आपसे भी अनुरोध है आप भी आकर के सौगात ग्रहण करें। अंबिका बहन अजमेर सब जोन सोशल विंग, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आकर के अंकिता बहन है अजमेर सब जोन सोशल विंग, पारुल बहन गोरखपुर रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपसे भी अनुरोध है। अन्नपूर्णा बहन इंदौर के आप कोऑर्डिनेटर हैं, आपसे भी अनुरोध है। सरिता बहन एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आप पश्चिम बिहार से हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करें। सुदेश बहन, सीता दीदी जो ले चुके हैं, ब्रिज भाई चाइना से जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सोशल विंग के, आपसे भी अनुरोध है कि आप आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करें। सुनील भाई जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं आप हरियाणा से, आपसे भी अनुरोध है आप भी आकर के सौगात ग्रहण करें। बाबू भाई ब्रिज बाबू भाई भुज कच्छ से आप भी कोऑर्डिनेटर हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आकर के सौगात ग्रहण करें। महावीर भाई मधुबन एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आपसे भी अनुरोध है आकर के सौगात ग्रहण करें। दीपेश भाई ओआरसी सोशल कोऑर्डिनेटर, सभी भाई बहनों से विशेष अनुरोध है कि अभी ब्रेकफास्ट के बाद आप सभी तुरंत हॉल में 9:30 बजे के ऊपर 9 बजे आप आ जाएंगे। उसके बाद 9:30 बजे अपने परम आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी की क्लास होगी। कृपया सभी जोरदार ताली बजा करके अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, तो वो क्लास में ज़रूर सभी को पहुंचना है। और जो अभी उपस्थित नहीं है उनको भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। राधेश्याम भाई एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फरीदाबाद से, उन आपसे भी अनुरोध है आकर के ईश्वरीय सौगात लीजिए लेंगे। हरीश भाई मधुबन से आए हैं, आपसे भी अनुरोध है। विजय भाई एग्जीक्यूटिव मेंबर ओआरसी, भावना बहन ओआरसी, रेखा बहन ओआरसी, रजनी बहन रोहिणी दिल्ली से, लक्ष्मीचंद भाई जी रुड़की उत्तराखंड से, काजल बहन जो आदरणीय शांता दीदी जी के साथ आए हैं, श्वेता बहन जी जो ओआरसी से हैं, आपसे भी अनुरोध है। बोल दिया ये कहाँ के दीदी, सबका बोला, सभी टीचर्स बहनों से अनुरोध है कि सभी आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करेंगे। पुष्पा दीदी जो प्रहलादपुर से आई हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करें।
लिखे गए हैं, देखिए ठीक, ये देखिए। सभी टीचर्स बहने जो सोशल विंग की मेंबर भी नहीं है वो भी यहाँ करके सौगात लें। सरला बहन जी जो जनकपुरी से आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि आकर के ईश्वरीय सौगात ग्रहण करेंगे। मोनिका बहन जो कि आशा दीदी जी के साथ हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आकर के ईश्वरीय सौगात लें। जो भी हमारी टीचर्स दीदियां हैं उन सभी से अनुरोध है कृपया आकर के आप आकर के ईश्वरीय सौगात हमारे परम दीदी परम सम्माननीय दीदी से सौगात ग्रहण करेंगे। फिर से आप सबको सूचित कर रहे हैं कि सभी बहनों को भी अजमेर से हेमंत भाई जो आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि आकर के आप ईश्वरीय सौगात ग्रहण करेंगे। सभी नाश्ते के बाद तुरंत ऑडिटोरियम में आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी का बहुत विशेष क्लास है, सभी उस क्लास को सुन करके अपने जीवन में उमंग उत्साह भरेंगे। अमृता बहन जो नोएडा से हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ करके ईश्वरीय सौगात लेंगे। ओम शांति। सभी टीचर्स बहनें भी ध्यान देंगे कि जिनको परम श्रद्धे आशा दीदी जी से मिलना है तो तुरंत अभी परिवार में जाकर के मिलेंगे और जो भी सौगात लेकर आए हैं वो वहाँ पर भेंट रूप में स्वीकार कराएंगे। तो जिनको मिलना है दीदी जी से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सेवा है तो दीदी जी के पास सौगात लेकर तुरंत परिवार में पहुँचेंगे। गीत बजा दे।